जय श्री राम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हो भाई। 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का आज 37वां दिन, और रात को मैं होशिंग के बस स्टैंड में आके स्टे किया था। रात को ऐसे ही सो गया था, बट मच्छर इतना काटा कि लास्ट में मुझे टेंट लगाना पड़ा। और अब यहाँ से पहले अभी टेंट अपन खोलते हैं, उसके बाद आगे का व्यवस्था क्या होता है वो देखते हैं। भाई मैं आ गया यहाँ पे नहाने, बट यार यहाँ पे नहाने का वो पता नहीं, मेरा स्कूलिया देख के बोलता है 50 रुपये चार्ज लगेगा। तो मैंने बोला यार ये कॉस्टली है, तो वो अभी 30 रुपया पे आ गया। लेकिन मैं बोला ऑनलाइन पेमेंट करेगा, तो बोलता है ऑनलाइन में नहीं लेगा, कैश ही लेगा। तो यार अब यहाँ तो वो हुआ पर काम बना नहीं। चलो अब आगे देखते हैं, आगे में कोई शौचालय हो तो अपन उधर चलते हैं नहाने को, क्योंकि नहाना तो आप जान ही रहे हो गर्मी का मौसम में बिना नहाए तो चल नहीं सकते भाई। फाइनली मैं बस स्टैंड से बाहर आ गया, और अभी देखो ये हाईवे पे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर आगे इंड करता है। देखो यदि कोई गाड़ी मिल गई तो मैं निकलूंगा आगे, यदि कोई ढाबा मिल गया तो मजे मजे। मिले एक भाई और इन्होंने मुझे लिफ्ट दिया है यार। सुबह से लगभग 2 किलोमीटर मैं पैदल चला, उसके बाद मुझे लिफ्ट मिला है, तो भाई थैंक यू। दो किलोमीटर लिफ्ट मिलने के बाद वापस फिर से मैं पैदल निकल लिया, और अब देखते हैं भाई कौन आता है। क्योंकि समय अभी हो गया है 7:45 और लगभग मैं 3 किलोमीटर के करीब चला उसका, अभी तक मिला के लिफ्ट मिलने के बाद भी मिला के। तो चल के देखते हैं अभी और कितना आगे जाने के बाद हाईवे पे कोई ढाबा वगैरह मिलता है। यदि कोई ढाबा मिला तो बेस्ट होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं नहा पाऊंगा, नहाने के बाद भी खाना वाना कुछ नाश्ता करेंगे उसके बाद। और इस हाईवे पे तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई चलती हुई गाड़ियों पे मुझे कोई जीप मिलेगा, तो देखते हैं ढाबा कितना दूर है यहाँ से। भाई अच्छा खासा मुझे लिफ्ट मिला और मैं पहुंच गया हूँ कृष्णागिरी, और कृष्णागिरी से आगे भी थोड़ा निकल आया। मैंने अभी नाश्ता किया है डोसा, और यहाँ पे डोसा दिया 2 डोसा 40 रुपीज का, अच्छा था, टेस्ट अच्छा था और बढ़िया था। मैं मांगा इडली लेकिन उसने डोसा लगा दिया, तो मैं बोला चलो यार लाओ खा लेते हैं क्या करना। तो अब अपन निकल रहे हैं यहाँ से आगे, और देखते हैं इधर कहीं अभी तक नहाने का जुगाड़ नहीं बन पा रहा है। आज तो थोड़ा समस्या हो गया, सुबह सुबह यदि नहीं नहा पाओ ना तो दिन में भी थोड़ा समस्या ही होता है। मैं गया था अभी कावेरी पटिकम, और गुरु भाई मिले मुझे, उन्होंने लिफ्ट दिया मेरे को। गुरु भाई थैंक यू फॉर लिफ्ट। ओके ओके थैंक यू भाई। मुझे लिफ्ट मिल गया है, और ये मिले भाई पप्पू है। पप्पू ये आसाम से है भाई। यार मुझे अभी सुकून मिल रहा है यार, कोई हिंदी में बात करने वाला मिल गया यार, अपने जैसा मजा आ रहा है कसम से। पप्पू से मिल गए, क्या पप्पू क्या चल रहा है? चल भाई अभी अपन रुक रुकेंगे कोई ढाबा में और करेंगे स्नान, उसके बाद भोजन वोजन करके फिर आराम से निकलेंगे भाई। अपन को तो भद्रोही तक जाना है साथ साथ। चलो भाई
ढाबे पे रुके, नहा वहा के बस हम लोग दोनों टाइट हो गए। और अभी देखो अपन ने यहाँ पे ऑर्डर किया अभी आलू मटर और रोटी। अभी अपन दोनों आलू मटर रोटी का आनंद ले रहे। इसके बाद यहाँ से हम लोग चलेंगे अभी वापस गाड़ी पे और उसके बाद निकलेंगे मदुरई को। भाई थोड़ा नंबर दे दो भाई। आज मतलब मैं जो हूँ पप्पू के साथ आज रुका हूँ इसी के गाड़ी में। और ये जहाँ पे अनलोड करने वाला है अपन आज वहीं पे रुके हैं। और अनलोड जब गाड़ी होगी उसके बाद निकलेंगे, या अनलोड नहीं हुई तब भी मैं कल यहाँ से निकलूंगा। तो अभी क्या है, अपन जा रहे हैं खाना खाने के लिए कोई जगह देख रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा जगह है जहाँ एक होटल है लेकिन वहाँ खाने को कुछ था नहीं। और अब बताया गया कि 2 किलोमीटर दूर पे है। अब साला 2 किलोमीटर दूर पे है नहीं है वो भी नहीं पता। तो चल रहे भी अपन लोग पैदल पैदल। और भाई गर्मी तो इधर कमाल का, भाई मानना पड़ेगा यार, मतलब ज्यादा गर्मी है। दिन भर में 5 बार भी ना हो फिर भी कम है भाई, इतनी गर्मी है यार, एकदम तगड़ी वाली गर्मी है यहाँ पे। ओह ये उमस, इतना चिपचिपाहट मत पूछो भाई। तो क्या है, अपन अभी गए थे खाना खाने और खाने में इधर कुछ मिला नहीं, अपन सिर्फ इडली खाए हैं। और इडली भी वो भी यार नॉनवेज वाला दे रहा था, तो नॉनवेज वाला इन द सेंस कि वो का जो सांभर होता ना, सांभर नहीं दे रहा था वो, नॉनवेज का कुछ दे रहा। तो भाई बोला बोला यार मुझे तो बस खाली इडली दे दे सिर्फ। तो मैं सिर्फ इडली खाया, 3 4 5 पीस खाया और किसी तरह जान बचाया हूँ आज। भूख तो मतलब वो क्या बोलते हैं, संतुष्टि नहीं मिला, पेट में तो चला गया ही। और अभी क्या है, अपन देखो अब गाड़ी में सोने का पूरा अपना वो कर लिए, सब सामान वामान एक साइड डाल दिए हैं, पंखा भी इधर देखो अपन जो है ना लगा के रेडी हो गए और अभी अपन दोनों सोने वाले हैं। तो चलो भाई फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अच्छे से आप लोग भी रहना। थैंक यू। हाँ भाई को थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग, तो ये मेरा भाई सपोर्ट करने का। हाँ?